मोदक बनाने के लिए पहले हम तैयार करेंगे उसकी स्टफिंग। तो हमें सबसे पहले पैन को हीट करना है मीडियम फ्लेम पे। फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी या अनसॉल्टेड बटर जो आपके पास अवेलेबल हो। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप किसा हुआ नारियल। मैंने पानी वाला नारियल को किस लिया है, आप चाहें तो सूखी नारियल को किस कर ले सकते हैं या मार्केट से जो डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है उसका यूज कर सकते हैं। इसे हम स्टेयर करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये हल्का रोस्ट नहीं हो जाता। ये हल्का सा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप गुड़। गैस को रखना है लो फ्लेम पे। नारियल को हमें गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मिक्सचर अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए तो इस स्टेज पे हमें ऐड करना है 1/4 कप के करीब ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। मोदक की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है हम मोदक के मावा की तैयारी कर लेते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। गैस को रखना है लो फ्लेम पे। घी मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसे मिक्स करेंगे। मैं मोदक को कलरफुल बनाने के लिए 1 कप दूध में 1/8 टीस्पून जलेबी कलर मिक्स कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो केसर या अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके पैन में ऐड कर देंगे और स्टेयर करेंगे। आप इस रेसिपी में कोई कलर ऐड करें तो उसे हमेशा ठंडे दूध या पानी में मिक्स करके ही ऐड करना। कलर डायरेक्टली ऐड करने से उसमें लम्स रह जाते हैं। कलर दूध में पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। गैस को रखना है लो फ्लेम पे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। मिल्क पाउडर जब इसमें अच्छे तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें 1 कप और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। टोटल मैं इसमें 3 कप मिल्क पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि यहाँ मैंने 2:3 का रेशियो लिया है। अगर आपको इनकेस क्वांटिटी कम रखनी है तो आप 1:2 का रेशियो लें, मतलब 1 कप मिल्क और 2 कप मिल्क पाउडर। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। हम इसमें 1 कप और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और कंटिन्यू स्टर करेंगे। जब मिल्क पाउडर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब गैस को करना है हमें मीडियम फ्लेम पे और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि मिक्सचर नीचे चिपके ना। जब मावा इस तरह गाढ़ा होने लगे और हल्का पैन छोड़ने लगे तो इस स्टेज पे हमें ऐड करना है शक्कर। यहाँ मैं 1/2 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी ताकि ये अच्छे तरीके से पैन छोड़ दे और मोदक बनाते टाइम ये हाथों में चिपके ना। जब मिक्सचर इस तरह इकट्ठा हो जाए और पैन छोड़ दे तो समझ जाइएगा कि मावा बनकर रेडी है। इसे हमें बनाने में टोटल 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब गैस को कर देंगे ऑफ और मावा को प्लेट में निकालकर हल्का ठंडा कर लेंगे ताकि हम आसानी से इसके मोदक बना पाए। चलिए, हमारी नारियल की स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो अब इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि मोदक में स्टफिंग भरने में आसानी हो। मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है और हमारा मावा भी हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसके मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हम मावा का एक टुकड़ा लेंगे जिस साइज का आपको मोदक बनाना है। अगर आपका मावा बहुत ड्राई हो गया है, इसे बांधने में बहुत प्रॉब्लम हो तो इसमें हल्की दूध की छींटे मारकर आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं। मावा को हल्का गोल करते हुए इसे प्रेस करके अब इस तरीके से इसके अंदर स्टफिंग रखकर साइड से इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे दोनों हाथों के बीच में रखकर राउंड शेप देंगे। इसमें क्रैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमें चिकनी बॉल बनानी है जैसे गुलाब जामुन की होती है। तो क्रैक फ्री बॉल रेडी है। अब हम इन दो उंगलियों से इसे हल्का प्रेस करते हुए चारों तरफ से मोदक का शेप देंगे
इसे बहुत जेंटली प्रेस करना है वरना मोदक टूट सकता है। क्रैक फ्री मोदक रेडी है। अब इसमें हम डिज़ाइन देंगे। इसके लिए मैंने फोक का यूज़ किया है। इसकी हेल्प से हल्के हाथों से चारों तरफ मोदक घुमाते हुए हम इसे डिज़ाइन देंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारा बिना मोल्ड से बना हुआ इंस्टेंट मावा मोदक। अब इसे साइड में रख देंगे। 5 से 10 मिनट में जब ये ठंडा हो जाएगा तो मोदक सेट हो जाएगा। मोदक को आप अपने पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेड फूड कलर और पिस्ता का यूज़ किया है। और बस रेडी है हमारे इंस्टेंट मावा मोदक। ऐसी अमेजिंग रेसिपीज को देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।